फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पोटली अनीता की। एसिडिटी होने के अन्य भी कई कारण हैं। एक कारण जो आप देख चुके हैं मेरे पिछले वीडियो में, अन्य कारण भी देखें तो ज़्यादा क्रोध करना, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना, कम सोना, ज़्यादा चिंता करना, किसी भी चीज़ में अति के कारण हमारे अंदर एसिड का इम्बैलेंस हो जाता है। आओ अब देखते हैं कि हमारे ही घर में बहुत सारे एंटासिड्स हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। सभी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सौंफ पेश की जाती है। सौंफ जब आप चबाते हैं तो आपके मुंह से लार बनती है, तो वो एक बहुत अच्छा एंटासिड है। दूसरे नंबर पे है जीरा। जीरा आप वैसे ही सौंफ की तरह चबा भी सकते हैं, या फिर उसको एक कप पानी में उसको बॉईल कर लें, उसका पानी छान के ठंडा करके आप जीरे का पानी पी सकते हैं। इसी तरह से आप इलायची को पानी में उबाल के पी सकते हैं, इलायची को मुंह में रख सकते हैं, धीरे धीरे उससे बनने वाले रस को धीरे धीरे अंदर जाने दीजिए। लौंग को आप अपने मुंह में एक साइड पे दबा के रख सकते हैं, धीरे धीरे उसका रस निकलेगा। ये सभी चीज़ें आप खाना खाने के बाद इनका प्रयोग करें। फिर आप अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। अदरक हमारी मंदाग्नि को अच्छा कर देती है और खाना डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। आप बिल्कुल फ्रिज में रखा हुआ एकदम चिल्ड ठंडा दूध पी सकते हैं। सभी घरों में गुड़ होता है जिसको जैगरी बोला जाता है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा खाना खाने के बाद अपने मुंह में रख के आप चूस सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अपना ध्यान रख के चूसें। आप अन्य भी बहुत सारे एंटासिड हैं, उनमें से और किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डाइट में फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे कि अनार, अनार का जूस आप पी सकते हैं या अनार के दाने खा सकते हैं। इसके अलावा आप पका हुआ केला खा सकते हैं, चित्री, जिसके बाहर से छोटे छोटे जो ब्लैक ब्लैक से छोटे छोटे निशान होते हैं जिस बनाना के ऊपर, तो वो अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, पका हुआ केला होता है। कुकुम्बर, खीरा जिसको बोलते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसका रस एसिड को बहुत जल्दी ख़त्म करता है, बहुत जल्दी अच्छा कर देता है। इसी तरह से वाटरमेलन है, वाटरमेलन का प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी आपकी एसिड में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर आप जो दूध से दही बनाकर उसमें से जब मक्खन निकल जाता है और वो छाछ कहलाती है, उस छाछ में आप पुदीना मिक्स करके पी सकते हैं, तो वो छाछ आपके लिए एक एंटासिड का कार्य करती है। छाछ बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, पैकेट वाली छाछ का प्रयोग ना करें। आप घर में ही दूध से दही बनाएं, दही से मक्खन निकलने के बाद जो हमें मिलता है उसी को छाछ बोलते हैं। उसमें आप पुदीना पीस के मिक्स कर लें और फिर उसमें काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा मिक्स करें। वो आप दोपहर के समय ले सकते हैं, डेली 2 बजे से पहले, तब भी आपको अपनी एसिडिटी में आराम मिलेगा। बहुत ज़्यादा देर तक भूखे रहने से भी हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बन जाता है। खाने में आप सात्विक आहार का प्रयोग करें तो आप अपनी एसिडिटी से परमानेंट निजात पा सकेंगे। जैसा कि आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देख लिया था कि बहुत ज़्यादा अच्छे से च्यू करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लार हमारे फूड के साथ मिक्स होके अंदर जाएगी तो भी एसिडिटी से आपको परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा। जितनी भी चीज़ें बताई, ये आवश्यक नहीं है कि आप सभी चीज़ों का प्रयोग करें, जो आपके लिए सूटेबल हो आप उसमें से उसी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी बॉडी की सुने, ज़्यादा प्यास लगती है आपको तो आप पानी की मात्रा सुबह सुबह खाली पेट आप पानी पिएं, उससे भी आपका एसिड दूर होगा। जलन होती है एसिड में, तो वो बताती है कि हमारे अंदर हमें ऐसा भोजन लें जिससे कि वो जलन शांत हो जाए। जैसे अभी मैंने बताया ककड़ी, खीरा, वाटरमेलन, ये कैसे हैं, वो हमें कूलिंग करेंगे, अंदर से कूलिंग का इफ़ेक्ट आता है। अपने फूड को ही दवा बना लें, अपने फूड को ऐसा फूड खाएं जो आपके लिए एक दवा बन जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।